हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी व्लॉग्स। आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो आपको लग रहा होगा कि इतना रेडी होके मैं कहाँ जा रही हूँ। सो बेसिकली इतने सारे फेस्टिवल्स आर अराउंड द कॉर्नर, जैसे गुड़ी पड़वा, तो मैं जा रही हूँ गोल्ड ज्वेलरी की शॉपिंग करने, बिकॉज इससे बेटर टाइम और क्या हो सकता है। सो मैं जा रही हूँ पीसी चंद ज्वेलर्स। इनके बारे में ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। इनका है 85 ईयर्स का लेगेसी विद हैप्पी कस्टमर्स ऑल ओवर इंडिया। इनकी सबसे बड़ी खासियत हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी है और इनका हर एक पीस यूनिक और एक्सक्लूसिव है। तो साथ ही फेस्टिवल्स को ध्यान में रखते हुए इनका गुड़ी पड़वा स्पेशल कलेक्शन भी आया है। इसकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है। सो चलिए ये सारे डिजाइन्स मैं खुद भी देखती हूँ और साथ में आपको भी दिखाती हूँ। सो हम पहुंच गए हैं पीसी चंद्र ज्वेलर्स के शोरूम में। लक्ष्मी रोड का शोरूम है, जो कि अलका चौक से जस्ट 2 मिनट के डिस्टेंस पे है। सो अंदर आके मैंने इनको अपने रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया और मैं पूछ रही थी इनको कि मतलब क्या अच्छे अच्छे अभी ऑफर्स चल रहे हैं, जैसे फेस्टिवल्स आ रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी पीसी चंद्र ज्वेलर्स पे चल रहा है गुड़ी पड़वा ऑफर। सो इसमें आपको मिलता है 20% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस ऑफ ऑल ज्वेलरी, 10% ऑफ ऑन वैल्यू ऑफ डायमंड्स एंड प्रेशियस स्टोन्स। और ये ऑफर है 5th to 16th April तक ही, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। सो सबसे पहले मैं गई इनके नेकलेस वाले सेक्शन में और यहाँ पे हर तरह के डिज़ाइंस अवेलेबल थे। आप कोई भी डिज़ाइन सोच सकते हो जिसमें मोती हो, कुछ ऐसा जिसमें आपके स्टोन्स लगे हो, कलर्स आपके हिसाब से। ऑल द डिज़ाइंस वर वेरी प्रिटी, स्टार्टिंग फ्रॉम आपका बिल्कुल स्लीक वाले जो आपके चेन होते हैं, वहाँ से लेके हैवी वाले। और कुछ नेकलेसेस मैं आगे आपको दिखाऊंगी ऐसे थे जो देखने में हैवी थे, बट दे वर सो लाइट वेट एंड सो इजी टू कैरी। यहाँ पे मैंने थोड़े से डिज़ाइंस चूज़ किए जो मैं सोची थी मैं ट्राई करके देखती हूँ, बिकॉज दे वर लुकिंग वेरी प्रिटी, बिल्कुल जैसा मुझे पसंद है ना, उस स्टाइल में थे, बिल्कुल कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन। देखिए चोकर है और एंटीक फिनिशिंग में उसमें गले का ही राउंड रहेगा ना मैम, तो ये वाला भी पीछे का लगे, थोड़ा मीनाकारी काम किया है उसके ऊपर। आप एक बार ये ट्राई करके भी देख सकते हो पूरा अलग डिजाइन। ये इसका क्या अमाउंट वगैरह है, कैसा क्या हिसाब है इसका? एक जो है मैम, इसका जो पहले वेट है वो 75 ग्राम का है टोटल, मतलब पूरा मीना करके। ग्रॉस वेट नेट वेट तो अलग अलग आता है इसमें। इसमें स्टोन नहीं है तो ये पूरा ही आएगा आपको 73 ग्राम 190 मिलीग्राम। दिखने में हेवी दिखेगा पर लाइट वेट है इस तक। सुंदर था, मैंने पहले कहा था काफी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितना आप इसका कितना बताया था वेट वगैरह? मैम 95 ग्राम तक है। मतलब आई थिंक दिस विल गो विद मोस्ट ऑफ द थिंग्स ना, दिस इज गिविंग अ स्लीक लुक प्लस बिकॉज ऑफ दिस थोड़ा सा हैवी लग रहा है। और कुछ बताया था कुछ वर्क ये जो हम काम है ना, ये पूरा कलकत्ती काम किया हुआ है इसमें, कलकत्ते का जो हमारे कारकार होता है वो है। और इसमें जो मीना काम है वो जयपुरी मीना आता है, जो राजस्थान का प्रॉपर जो रहता है वो इसमें कलर। ओके नाइस, तो कलकत्ता और जयपुर का मिक्स इज दिस पीस। ये भी वैसे कुछ डोली जैसा दिख रहा है ना यहाँ पे जो बीच में है। नाइस मैम, ये न्यू कलेक्शन में आएगा अपना सीता हार में। ओके लॉन्ग हैंगिंग में आपको ये इस टाइप में, ये आपका 78 ग्राम का है। ये एक नेकलेस है विच इज लुकिंग सो प्रिटी एंड आई विल शो यू। जनरली नेकलेस क्या होता है ना, स्टिफ सा होता है, ये देखो कैसा इट इज सो, मतलब ऐसा है ना आपका नेक के साथ, नेक लाइन के साथ ना वो स्टिफ नहीं रहेगा, इट विल गो विद द फ्लो ऑफ द नेक। दिस इज एन एंटीक काइंड ऑफ कलर, सो दिस विल गो विद मोस्ट ऑफ द थिंग्स एंड
वो जो एक हमको लगता है ना यार गोल्ड पहने क्या गोल्ड पहने क्या, सो दिस इज समथिंग विच विल गोल्ड है बट देन यू गेट दैट लुक ऑल्सो दैट एंटीक वाला लुक जो है ना वो सारे ही डिजाइन आप जस्ट यूनिक एक से बढ़कर एक डिजाइन है बिल्कुल डिफरेंट. मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा दिखाना, ये वाला भी बहुत अच्छा लगा ना. अच्छा चलो पहले कमिंग बैक टू दिस पीस, ये इसका आप कुछ बता रहे थे वर्क वगैरह. ये जो है मैम एंटिक वर्क में आएगा आपको, इसमें जो ये स्टोन है वो सोरस की स्टोन लगाए हुए हैं. सोरस की मुझे स्टोन है. ओके एक बार आप इसको ट्राई करके देखिए, इसके इयर रिंग्स भी आपको मैं ट्राई करूंगी. लाइट वेट मतलब दिखने में हेवी दिखेंगे और वेट के हिसाब से लाइट. तो ये है इसके साथ के इयर रिंग्स, इतने लाइट वेट है, इतना हैवी है ये मतलब पीस, बट स्टिल पहन के गले में ऐसा लग नहीं रहा है कि इतना हैवी पीस मैंने पहना हुआ है. लग रहा है ना सबसे पहले अपने इसमें जो है ना ऑक्सीडाइज फिनिशिंग किया हुआ है. हाँ. इसमें जो स्टोन है वो सोरस के स्टोन लगाए हुए हैं. हाँ. कुंदन सेटिंग के साथ वो जो साइड में दिए है ना छोटे वाले, उसका जो ग्लो है वो सोरस के स्टोन वाला है. ये वाला ना जो व्हाइट में है, जो पर्ल भी है, छोटा कल्चरल जो पर्ल बोलते हैं वो भी है. कल्चरल पर्ल बोल रहे हो आप? ओके ओके सो सी दिस दिस, ये मैं बार बार आपको फ्लो इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज गोल्ड में यू गेट दैट सॉलिड वाला. ये देखो कितना इसका फ्लो इज ब्रिलियंट, पूरा फ्लेक्सिबल है ऐसा बिल्कुल. ये पीस दिस इज आई डोंट नो दिस इज वेरी डिफरेंट ना, मतलब गोल्ड दिमाग में आता है तो जनरली हमारे जो बेसिक डिजाइन होते हैं ना दिमाग में वो आता है, बट लुक एट दिस. ऐसा कुछ मतलब जो कंटेम्पररी डिजाइन होते हैं आई थिंक दिस कैन गो विद वेस्टर्न वेयर ऑल्सो. मतलब जरूरी नहीं है आपको एथनिक ही पहनना है. व्हाइट कलर की शर्ट है विद अ डीप नेक इफ यू आर वेयरिंग समथिंग लाइक दिस बिकॉज इट गिव्स दैट एंटीक जंक ज्वेलरी वाला लुक. सो यू कैन गो अहेड विद दिस विद ऑब्वियसली विद योर एथनिक वेयर, प्लस यू कैन ऑल्सो आराम से इसको स्टाइल कर सकते हो वेस्टर्न वेयर के साथ. दिस इज वेरी प्रिटी. सो ये एक नेकलेस है विच इज जो बेसिक नेकलेस होता है ना, एक लंबा लेंथ वाला नेकलेस जैसे होता है कलेक्शन में चाहिए होता है. सो ये वो है. वेट है 90 ग्राम्स इज द वेट. प्यारा लग रहा है ना. नाइस. उसके इयर रिंग्स क्लोज दिखाना थोड़ा सा इयर रिंग्स. तो ये इसके इयर रिंग्स आएंगे. सो दीज आर द प्रिटी इयर रिंग्स. और मैं एक बार खड़े होकर प्रॉपर दिखाती हूँ कितना इसका आपको लेंथ मिलता है. So you are getting deep यहाँ पर नीचे तक. समथिंग बिल्कुल स्लीक वाले जो होते हैं ना इस हिसाब से, जैसे आपको जैसे मुझे भी काफी स्लीक टाइप के ही पसंद आते हैं. सो लेट मी जस्ट सिट एंड सी. सो ये वाले हैं, एक ये डिजाइन है जिसमें यू गेट ऐसे प्रिटी से फ्लावर्स विद सम कलर्स. तो दिस विल गो विद क्वाइट अ लॉट ऑफ आपके जो वेयर्स है, साड़ी वगैरह है, लहंगा वगैरह. एंड इन केस यू आर नॉट लुकिंग फॉर कि जिसपे कलर्स हो, बेसिक आपके जो गोल्ड है ये भी है. देख के ऐसा लग रहा है कि कितना हैवी है, बट देन दिस इज अगेन वेरी लाइट. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग जो देखने में हैवी लगे लेकिन पैसे में हैवी ना हो, तो दिस इज परफेक्ट फॉर दैट. सो बस दिखाना क्लोजअप इसका. बहुत प्रिटी साइज का डिजाइन, शो द डिटेलिंग. तो ये वाले बहुत ही प्यारे प्यारे डिजाइन थे जो मैंने आपको दिखाए, और ये देख के लग नहीं रहा था कि 10 ग्राम के नीचे है. 8 ग्राम्स के अराउंड इनका जो वेट था वो था. सो लुक्ड वेरी नाइस एंड रेगुलर वेयर में, जैसे आप यू नो साड़ी जो मैंने पहनी हुई है इनके साथ, दे लुक सो प्रिटी. एंड आप स्माइल ही मेरी देख सकते हो, उससे इसे पता लग रहा है. आई वॉज सो हैप्पी, इट वॉज लुकिंग सो नाइस. अभी मैं आपको इनका गुड़ी पड़वा फेस्टिवल स्पेशल कलेक्शन दिखा रही हूँ, जिसके बारे में मैंने आपको घर पर बताया था ना. सो ज्वेलरी जो है वो हमारी ब्यूटी को एनहांस करता है. किसी के लिए ये एक फॉर्म ऑफ आर्ट है फॉर सेल्फ एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, तो वहीं किसी के लिए इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन एंड कल्चर. सो इसी इमोशन एंड कल्चर का फ्यूजन है इनका ये न्यू और बहुत ही सुंदर गुड़ी पड़वा स्पेशल कलेक्शन.
दीज आर बैंड रिंग्स रेगुलर वेयर के लिए. साइज तो बाद में ये मतलब वाइट गोल्ड है या फिर क्या मटेरियल यूज हुआ है? फिनिश किया है. ओके सो दिस इज गोल्ड ना, बीच वाला. ओके ये टू टोन में है. ओके आप इसे डेली यूज भी कर सकते हो. सो ये जो व्हाइट कलर है ओवर द टाइम शाइन ऐसे जो डायमंड का फिनिश आता है वो इस टाइप में थोड़ा सा किया है. सो दिस इज बेसिकली गिव्स यू दैट डायमंड फिनिश और ये डार्क वगैरह जैसे आपने बोला नहीं होगा. सो अच्छा लग रहा है ना, शाइन शाइन सा बिल्कुल. क्योंकि व्हाइट और गोल्ड है तो सिल्वर और गोल्ड दोनों का ही लुक दे रहा है तो इट विल गो विद मोस्ट ऑफ दी आपके जो आउटफिट्स है उसके साथ. सो दीज आर कॉल्ड कॉकटेल रिंग्स और ये यहाँ से आप देख सकते हो एडजस्ट भी हो सकता है. अच्छा तो मतलब ये मैं खुद ही इसको एडजस्ट कर सकती हूँ. ओके 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 सो ये अप एंड डाउन हो जाता है यहाँ से. सो नाइस ना, पूरा आपका कवर हो गया. सो इसको कैसे पहनना है? कुछ डिफरेंट मतलब ऐसी ज्वेलरीज आई एम नॉट मच अवेयर. मेरी उंगलियां छोटी पड़ गई. ओके एडजस्ट हो जाता है पूरा. ये एडजस्टेबल है ये भी. ओके ओके और ये मतलब कितना कितना ग्राम का है और क्या रहेगा इसका? ओके इनके मेकिंग चार्जेस स्टार्ट होते हैं 11% से. अगर आप EMI से परचेज करना चाहते हो ना तो आपको मिलता है 0% इंटरेस्ट पे EMI फैसिलिटी. किसी भी हॉलमार्क जो गोल्ड ज्वेलरी है उसके एक्सचेंज पे है 0% डिडक्शन. और अगर आप गोल्ड ज्वेलरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में खरीदना चाहते हो जैसे कि गोल्ड सेविंग स्कीम तो उसके लिए इनका गोल्डन ड्रीम स्कीम्स तो है ही. सो दिस इज बेसिकली ये जो डिजाइन है उसको बोलते हैं हम फुल कान, राइट? और ये कितने मतलब ग्राम से? 22 ग्राम के अंदर स्टार्टिंग उससे. ओके उसमें बन जाएगा. सो इनसे परचेज किए हुए गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी में बाई बैक गारंटीड है. यहाँ परचेज करते हुए गोल्ड पे आपको मिलता है लाइफ टाइम का मेंटेनेंस. सो आई एम ट्राइंग मंगलसूत्र राइट नाउ और ये मंगलसूत्र दिखाती हूँ आपको क्यों मुझे इतना पसंद आया. वाज लाइक लेट मी जस्ट ट्राई इट वंस. सो ऊपर से दिस इज बेसिक जो हमारे कलर्स होते हैं ना वो है लाइक दिस, लेकिन व्हेन वी कम टू इट्स यहाँ पे पेंडेंट, देखो द पेंडेंट इज सो प्रिटी. पेंडेंट्स चेक करी थी, ये डिजाइन तो अच्छे हैं ही. दिस इज समथिंग वेरी यूनिक. इन्होंने बोला मदर ऑफ पर्ल ना. सो ये जो पीछे है दिस इज द एंटायर पर्ल ना, ऐसा कुछ. ओके सो अगर आपको ऐसा हैवी में कुछ चाहिए सो दिस इज वेरी नाइस, वेरी डिफरेंट. 40 ग्राम. ओके अच्छा ये पूरा दुर्गा माँ ये गणपति जी ये पूरा. ओके 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 कार्तिक दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती. ओके नाइस गॉट इट. एंड दीज आर सर्टन अदर वेरी प्रिटी पेंडेंट्स विथ इयरिंग सेट ना ये सारा. Pendant with earring. Okay. समय मीना हुआ. Okay. मीना वर्क ना. So अभी मैं कड़ा ट्राई करने वाली हूँ. So इसको कुछ नाम है स्पेसिफिक इन कड़े का? जैसे इसके अंदर लाख है इसकी नॉर्मल डेली वेयर के लिए है. So these are daily wear और हाँ बाला बोलते हैं एक्चुअली इसको तो इसके अंदर पूरा लाख है. इस हिसाब से चमक रहे ना मस्त. डेली वेयर ना खराब नहीं होगा क्योंकि लाख है अंदर इसलिए वो जैसे तो बढ़ जाते हैं ना काम करते हुए वो सब कुछ नहीं होगा बिकॉज इट इज फिल्ड और काफी लाइट. दिस इज वेरी लाइट वेट 20 ग्राम्स का 10 ईच ग्राम्स. ओके आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस. ये ऐसे निकलता है ना कुछ स्क्रू वाला. ये जो है कुंदन जड़ा हुआ टाइप है. हाँ दिस इज प्रिटी ना. सो ये वाला सॉलिड में है. यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज ना ऐसा पूरा डिजाइन ऐसा है तो इसके अंदर लाख नहीं है. एंड अगेन दिस इज वेरी लाइट वेट. फिलिग्री वर्क. क्या चीज? फिलिग्री वर्क. फिली क्या? तार का काम. फिलिग्री मतलब नाजुक बारीक काम. अच्छा ऐसे भी स्क्रू.
से ओपन हो जाएगा, फिर से इसको लॉक हो जाएगा। तो इसको क्या बोला आपने, रोज वाला ना है ये, रोज वाला है, मीना वर्क किया है इसको, मैट फिनिश विद मीना वर्क है। ओके, सो दिस इज मैट फिनिश विद मीना वर्क। तो यहाँ पे मीना वर्क मिलता है एंड यू हैव रोज, रोज वाला का ये 20 ग्राम्स में बहुत है और ये 10 ईच था, हाँ ये 10 ईच है दीज आर। और ये वाला कितने का था, 52 ग्राम्स का सिंगल है। ओके, दिस इज 52 ग्राम्स। डायमंड्स आर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड, तो भाई गोल्ड देख लिया, डायमंड बिना देखे अभी कैसे हो सकता है। सो कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मुझे ना यहाँ पे पीसेस दिखे, सो आई हैव आस्क्ड देम टू यू नो एक बार दिखाए कैसा डिजाइन से क्या लेटेस्ट चल रहे हैं। कमिंग टू डायमंड ज्वेलरीज, इनके सारे डायमंड आर सर्टिफाइड, और तो और डायमंड ज्वेलरी पे पीसी चंद्रा देती है फ्री इंश्योरेंस। काफ़ी बार हम अपने फैमिली या फ्रेंड्स को ना गोल्ड गिफ्ट करना चाहते हैं बट समझ नहीं आता कि हमारा पसंद किया हुआ डिज़ाइन उन्हें पसंद आएगा या नहीं आएगा। सो उस केस में आपको यहाँ पे मिल जाएगा गिफ्ट कार्ड्स का ऑप्शन भी। सो ये डायमंड एग्जैक्टली क्या डायमंड्स हैं और हाउ डू आई नो, मतलब क्योंकि डायमंड में इतने सारे क्वालिटीज आती हैं, सो एग्जैक्टली क्या है ये? एक्चुअली इसमें जो यूज होता है रियल डायमंड यूज है, तो इसमें फोर सीज होते हैं बेसिकली, जिसमें कट कलर क्लैरिटी कैरेट होते, कट कलर क्लैरिटी कैरेट। ओके, तो इसमें जो डायमंड के सेंस रहते हैं वो मतलब कैरेट इंच के अंदर होता है, मतलब की 100 सेंस मीन्स 1 कैरेट। ओके, 100 सेंस इज 1 कैरेट। तो इसमें कितना है, इसमें लगभग देखेंगे ना 4.56 सेंस मीन्स काफी अच्छा है डायमंड का वेट वगैरह देखेंगे, हाईलाइटिंग है। आई कैन ऑल्सो सी शाइन भी बहुत अच्छा चमक रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जस्ट लुक कैसा लग रहा है मेरे फेस पे, यू नो इसमें डायमंड है 456 456 पीसेस दिस एंटायर सिर्फ नेकलेस पे। तो मैं इनको वही पूछ रही थी कि डायमंड का ऐसा होता है ना, दिस इज द प्रिटी इयर रिंग, सो डायमंड का ऐसा है कि हाउ डू आई नो कि मतलब जो डायमंड आपसे ले रही हूँ वो कितना ऑथेंटिक है? कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका जो है ना इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल ऑफ इंस्टीट्यूट का एक्चुअली सर्टिफिकेट होता है, वो प्रोवाइड होता है। तो ये सर्टिफिकेट सबसे मेन है, तो इससे पूरा एनालाइज होता है डायमंड। तो ये आप साइड में साथ में प्रोवाइड करोगे? यस टोटली, और बिल भी साथ में रहेगा। सो अगर नेक्स्ट टाइम अगर सपोज गोल्ड कैसा होता है ना, हमको चेंज करना होता है, चेंज नया डिजाइन बनाना होता है, वापस लेके आते हैं, बाय बैक करता है, सो डायमंड का कैसा रहता है हिसाब से? डेफिनेटली इसका आपको 100% एक्सचेंज मिलेगा, लाइफ टाइम एक्सचेंज पॉलिसी इसमें। Okay. और इसमें आपको डायमंड ही लेना है ऐसा कुछ भी नहीं, आप गोल्ड भी इसमें ले सकते हैं एक्सचेंज में। तो VVS एक ऐसी क्लियरिटी है जो कि सबसे टॉप मोस्ट क्लियरिटी हम यूज करते हैं अदर देन ज्वेलरी। तो बाकी के ज्वेलर जो है वो VVS SI ऐसी क्वालिटी यूज होती है, लेकिन हमारे पास जो क्लियरिटी यूज होती है सबसे टॉप मोस्ट है। सो डायमंड्स नो डाउट सुंदर भी है, काफी बार एक्सपेंसिव होते हैं, सो मैं से वही पूछ रही थी मतलब अगर मुझे लेना है राइट नाउ इफ आई कांट पे तो EMI के ऑप्शंस व्हाट डू यू हैव? यस मैम, एक्चुअली 0% EMI फैसिलिटीज अवेलेबल है, लिक्विड लोन के थ्रू हम प्रोवाइड करते हैं आपको, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है। सो दे हैव 0% EMI का, दैट्स ग्रेट। और आप कुछ इंश्योरेंस के बारे में बता रहे थे कि इन केस डायमंड लिया इतना महंगा है कल खो गया तो बिग लॉस, सो उसका भी यू हैव अ प्रोविजन? डोंट वरी, इसका भी है एक्चुअली, इसमें 50,000 एंड अबाउट कोई भी प्रोडक्ट होगा डायमंड का तो उसका भी आप हम इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। जस्ट हैविंग लुक एट दी डायमंड और साइड में मुझे ये स्टोन्स दिखे, तो उन्होंने बताया कि एक एस्ट्रोलॉजिकल स्टोन्स आप बोल रहे थे ना? या यस, तो हमारे पास एस्ट्रोलॉजिकल जेम स्टोन भी मिलते हैं जो कि इसका प्रॉपर सर्टिफिकेशन भी आता है। ओके, जो कि इस तरह से होता है।
ओके, सो दीज आर सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजिकल जेम स्टोन्स. सो ओके, दैट्स ग्रेट. सो बहुत कुछ है, एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ आई मस्ट से. सो फ्रेंड्स, आई ट्राइड कि आपको जितने हो सके उतने डिजाइंस दिखा सकूं, और यहाँ पे ना हर रेंज में इतने प्यारे प्यारे डिजाइन थे कि मतलब मन खुश हो गया. सो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ. आई रियली होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा. सो सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम. टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ. बाय बाय.